दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में अटल फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अटल अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 37 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा कॉप सोसाइटी के अध्यक्ष सुनील जी शाह, ABVMS के अध्यक्ष और FCI के सदस्य आचार्य राजेश ओझा, प्रख्यात विद्वान और आध्यात्मिक नेता लेखराज माहेश्वरी सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। वहीं भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति के अध्यक्ष दिलीप भाई शांगानी ने कहा कि यह कार्यक्रम उन लोगों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को मान्यता देने के महत्व को उजागर करता है जो बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। पुरस्कार विजेताओं ने उत्कृष्टता के लिए एक ऐसा मानक स्थापित किया है जो आगे कई लोगों को प्रेरित करेगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने कहा कि राष्ट्रीय अटल अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के अथक प्रयासों और उपलब्धियों का प्रमाण है। इस तरह के समर्पण को सही मायने में मान्यता मिलना गर्व की बात है। इस कार्यक्रम का आयोजन अटल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपर्णा सिंह त्रिपाठी ने किया। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रीय अटल अवार्ड वितरण समारोह की मेजबानी करते हुए खुशी हो रही है, जो इन 37 पुरस्कार विजेताओं को असाधारण कार्य को सम्मानित करता है। उनका योगदान अमूल्य है और यह सम्मान उत्कृष्टता के उनके निरंतर प्रयास के लिए हमारी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। हमारे अटल फाउंडेशन में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ भी जो भी काम, डॉक्टर्स हैं तो हमारे फ्री इलाज कर रहे हैं, टीचर्स हैं वो हमारे फ्री में पढ़ाने के काम कर रहे हैं, और हमारा जो सफाई का है अभियान है उसको हमारे फ्री कॉस्ट में हम लोग टीम मिल के करते हैं। तो हमारे हर प्रदेश में, हमारे 27 राज्यों में हमारा अटल फाउंडेशन लेके काम करे, तो इसीलिए हम 27 राज्यों से लोगों को चुन के लेके आते हैं जो हमारे संगठन में काम कर रहा है, तो हम उसको आगे बढ़ाने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम उनको अवार्ड देते हैं। NBCN न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।